मनेन्द्रगढ़ में कड़ाके की ठंड के साथ बर्फीली हवाओं का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर के चलते लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर है। शीतलहर लहर के चलते न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि जिले में लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और घना कोहरा छाया हुआ है। कई वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि कलेक्टर ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक स्कूलों में 3 दिनों का अवकाश घोषित किया है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, अभी लगातार 3-4 दिनों से जिस तरह से ठंडी हवा चल रही है और आज आप देख सकते हैं कि आज सुबह से सूरज नहीं निकला है, इससे पूरा कोहरा छाया हुआ है। लोग काफी परेशान हैं और आज को दिन भर मतलब लोग ठंड से परेशान होते रहे। हम लोग सुबह से आज आग के पास बैठे हैं, कहीं जाने का कोई मन नहीं कर रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं और यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने छुट्टी भी करवा दी स्कूलों में, क्योंकि काफ़ी ठंड है और ज़रूरत है कि लोग जो है एहतियात बरतें और ठंड से बचते रहें।